11 दिन पूर्व कब्र से दफन की गई महिला का बुधवार को कब्र से शव बाहर निकाला गया। परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला है। मृतका के पिता बिलाल द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री की शादी तकरीबन 3 साल पहले भोपाल में हुई थी। शादी के दौरान उनके द्वारा पूरा दान दहेज दिया गया था, लेकिन लड़के वाले आए दिन और दहेज की मांग करते थे। शादी के बाद एक बच्चा हो जाने के बाद भी ये उनकी पुत्री को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते रहे हैं, जिसकी शिकायत उनकी पत्नी द्वारा कई बार अपने घर वालों से की गई थी। और अभी वर्तमान में दूसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान उनकी पुत्री की मौत हो गई, जिसके बाद वह सबको अपने साथ लेकर टीकमगढ़ पहुंचे और मुस्लिम रीति रिवाजों के साथ कब्र में दफना दिया गया था। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। देखा वहाँ तो बच्ची और बच्चा दोनों में रख पाएगा। उसके बाद यहाँ ले गया, जब उसका गुस्ल वगैरह हुआ तो उसके सारी शरीर में इतनी चोट थी जैसे लोग शारीरिक मानसिक लड़के को प्रताड़ित किया हुआ, बहुत चोट वगैरह थी, तो उसको सब देखा नहीं गया। बड़ी क्या लगता है बच्ची को ससुराल वालों साहब मारपीट की, मारपीट करके बच्ची को मार डाला। कितने वर्ष हुए आपकी बच्ची को अपने साथ में? 3 साल के लगभग हुई है शादी को। पहली डिलीवरी थी तो पर आपने शिकायत कब की अपने बच्ची की? अपने जब हम वहाँ से लौटे उसके बाद बच्ची को दफन कर दिया, उसके बाद फिर शिकायत की एसपी साहब से। तो एसपी ऑफिस में हुआ था आपका कुछ? साहब ने आवेदन कवर नोट लगा के कागजात भोपाल भेज दिए सर जी। भोपाल आ तो बोलते हम जाँच करेंगे, जाँच करेंगे तो वहाँ कोई जाँच नहीं हुई। उसके बाद फिर आवेदन दिए मुख्यालय में जाके, तो वहाँ कितने देर इंतजार करना पड़ा? आज पूरे आज ही सब कुछ हुआ उस पर टाइम। अच्छा, आपने आवेदन किसको दिया था? आपने एसपी महोदय ठीक है नहीं वहाँ पर भोपाल में? भोपाल में आवेदन हमने वहाँ मैडम है वहाँ पे, वहाँ पर मैडम है महिला शाखा एडीजी उनको दिया जी। उन्होंने संज्ञान में लिया इसको, संज्ञान में तत्काल कार्रवाई की। ठीक, इसके सर जो डेड बॉडी को आज कब्रिस्तान से खुदवाया गया है, क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? आपको बताना चाहेंगे कि बिलाल मोहम्मद सनम रसीद मोहम्मद जो बदान मोहल्ला के रहने वाले हैं, इनकी एक बच्ची है बड़ी बच्ची जिसका नाम है सीमा, जिसकी शादी इन्होंने 2018 में भोपाल में की थी। दिनांक 16 तारीख को इनके परिवार वालों को सूचना मिली कि बच्ची की तबीयत खराब है भोपाल में काफ़ी ज़्यादा। जब ये लोग रात में वहाँ पहुँचे तो देखा कि बच्ची जो प्रेग्नेंट थी सीमा वो ख़त्म हो चुकी थी, साथ में उसका 9000 बच्चा भी ख़त्म हो गया था। उसके बाद इन लोगों ने अपने पारिवारिक सलाह के बाद में अपनी लड़की और उसके 9000 बच्चे की बॉडी को ठीक कर लाए और उन्हें यहाँ पर कफन दफन कर दिया। लेकिन इनके मन में काफ़ी शंकाएँ थी, उसी शंकाओं के आधार पर इनने थाने में आके आज आवेदन पत्र दिया, जिसमें हमने वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत करा के और फिर इसमें हमने थाना कोतवाली में मर क्रमांक 24 और 25 कायम किया है। और चूंकि बॉडी काफ़ी दिनों से कब्रिस्तान में अंदर थी, जो कानूनी प्रक्रियाओं के तहत श्रीमान एस डी महोदय चालीस पर तहसीलदार महोदय, हमारे एस एल अधिकारी एच डी पी महोदय और इसके अलावा हमारे थाने के देहात थाना प्रभारी नसीर फारूकी जी, थाना स्टाफ की मौजूदगी में आपने कानूनी प्रावधानों के तहत शव का उत्खनन करवाया गया है और उत्खनन के बाद में डॉक्टरों की टीम यहाँ पे आई थी, लेकिन वो भी कानूनी प्रावधानों के बाद पीएम जिला अस्पताल टीकमगढ़ में हो रहा है और आगे जो भी विवेचना जांच में आएगी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।